इंडिया के सबसे बड़े चैनल वाईफाई स्टडी 2.0 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं आचार्य ओपी गुप्ता संस्कृत में आज आपके लिए लेकर आया हूं स्वर संधि का भेद पर्व संधि। यह संधि अपन ने पढ़ ली थी लेकिन कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं देने के कारण इस संधि को रिपीट कर रहे हैं। बिल्कुल लास्ट का पोर्शन था तो कुछ स्टूडेंट्स की ये मांग आई थी कि गुरुजी पररूप संधि स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही थी तो एक बार रिपीट कर देवे, तो उसको रिपीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, तो पररूप संधि की बात कर रहे हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, फटाफट आ जाइए। हाँ जी, तो देखिए पररूप संधि की बात कर रहे थे तो संस्कृत में अपन जैसे ही संधि की बात करते हैं तो सूत्र का नाम आता है। सबसे पहले सूत्र की बात करते हैं तो पररूप संधि का सूत्र है एंगी पररूपम। सूत्र क्या है आपका? एंगी पररूपम। ठीक, अब आती है एंगी पररूपम सूत्र क्या करता है। ध्यान रखे, इससे पहले आपने पूर्व रूप संधि पढ़ी थी, इससे पहले आपने पूर्व रूप संधि पढ़ी थी और यह है पररूप। पूर्व पर, दो शब्द को पकड़ो, पूर्व का मतलब होता पहले वाले वर्ण जैसा और पर का मतलब होता बाद वाले वर्ण जैसा। पूर्व यानी पहला और पर यानी बाद वाला। ठीक है, तो ये जो पूर्व रूप संधि थी ये उसकी उल्टी है। परिभाषा देखेंगे तो एक बार परिभाषा को देखते ऐसे लगेगा कि ये पूर्व रूप संधि की उल्टी परिभाषा, बिल्कुल देखने से ऐसे लगेगा लेकिन उसमें कुछ गूढ़ बातें हैं। उन गूढ़ बातों को अपन को ध्यान में रखना पड़ेगा कि कैसे दोनों को अलग किया जाए। तो देखो सूत्र है एंगी पररूपम, सूत्र है एंगी पररूपम। ठीक है, अब आती है कि एंगी का मतलब क्या है। एंगी का मतलब एंग प्रत्याहार के अक्षर, और एंग प्रत्याहार के अक्षर कितने अक्षर होते हैं? एंग प्रत्याहार में दो अक्षर होते हैं, कौन कौन से? ए और ओ, ए और ओ। बिल्कुल, तो यहां पर उल्टा करेंगे तो क्या है कि ए के बाद में ए या ओ आ जाए, ए के बाद में ए या ओ आ जाए तो दोनों वर्णों के स्थान पर पररूप हो जाता है। दोनों वर्णों के स्थान पर पररूप एकादेश हो जाता है। पररूप एकादेश का मतलब है, पररूप एकादेश का मतलब है कि बाद वाले वर्ण जैसा रूप हो जाता है। पररूप का मतलब है बाद वाले वर्ण जैसा रूप हो जाता है। तो बात कर रहे थे कि दोनों वर्णों के स्थान पर पूर्वरूप एकादेश हो जाता है तो कैसे होता है देखिए। लेकिन ए प्लस ए और ए प्लस ओ को देख करके अपने मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। मित्रों क्या जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है? ये जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि गुरुजी ए प्लस ए और ए प्लस ओ तो हमें वृद्धि संधि में भी दिखाई देते हैं, ए प्लस ए और ए प्लस ओ तो वृद्धि संधि में भी दिखाई देते हैं, तो गुरुजी ये तो थोड़ी सी समस्या हो जाएगी, तो मैं इस संधि को उससे अलग कर देता हूं। ठीक है, एक तो बात यह है। दूसरी, इसके उदाहरण बहुत कम, संभावना मात्र ही पूछे जाते हैं अपने को, इसके जो अपवाद होते हैं वो पूछे जाते हैं, मुख्य संधि के नहीं पूछे जाते। फिर भी देखो इनको अलग करने के लिए क्या कर रहा हूं कि जो ये ए है ये ए तो उपसर्ग का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? ए तो, ये ए तो उपसर्ग का होना चाहिए और ए और ओ धातु का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? तो परिभाषा क्या बन गई कि उपसर्ग के ए के बाद धातु का ए या ओ आ जाए तो दोनों वर्णों के स्थान पर पररूप एकादेश हो जाता है। पररूप एकादेश का मतलब होता है बाद वाले वर्ण जैसा रूप हो जाता है। बाद वाले वर्ण जैसा रूप हो जाता है, कैसे हो जाता है देखिए। कहने का मतलब है यदि ए के सामने हम ए लिखेंगे तो बाद वाले वर्ण जैसा रूप अर्थात दोनों के स्थान पे ए हो जाएगा, और ए के बाद में यदि ओ लेते हैं
तो बाद वाले वर्ण जैसा रूप यानी कि ओ हो जाता, यानी कि ए का लोप हो जाएगा, मतलब ए इसमें मिल जाता है तो दोनों वर्णों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए, ए और ए मिलकर के, ए और ओ मिलकर के क्या बन जाएगा, ओ हो जाएगा। तो परिभाषा बन गई कि उपसर्ग के ए के बाद धातु का ए या ओ आ जाए तो दोनों वर्णों के स्थान पर रूप यानी बाद वाले वर्ण जैसा रूप हो जाता है, बाद वाले वर्ण जैसा रूप हो जाता है। क्लियर, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके परिभाषा मैं डिटेल में लिखा देता हूं और ठीक है। तो इसकी एक परिभाषा अपन लेते हैं, तो देखिए परिभाषा क्या है, इसको बिल्कुल थ्योरी रूप में लिखवा देता हूं एक बार ताकि वो आपके दिमाग में सेट रहे, ताकि इधर उधर बिल्कुल भी नहीं निकलेगी, ठीक है ना, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। तो देखिए परिभाषा, उपसर्ग के ए के बाद, उपसर्ग के ए के बाद धातु का ए या ओ आ जाए तो दोनों वर्णों के स्थान पर उसी वर्ण का उसी वर्ण का नो दोनों वर्णों के स्थान पर पर रूप एकादेश अर्थात बाद वाले वर्ण जैसा रूप हो जाता है। क्या कि उपसर्ग के ए के बाद में धातु का ए या ओ आ जाए तो दोनों वर्णों के स्थान पर रूप एकादेश अर्थात बाद वाले वर्ण जैसा रूप हो जाता है, मतलब बाद वाले वर्ण। ठीक, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो परिभाषा का। ठीक, अब आती है इसके उदाहरण की बात, तो देखिए उदाहरण की चर्चा अपन करते हैं। उदाहरण ध्यान रखना कि उपसर्ग का ही ए होना चाहिए, उपसर्ग के ए के बाद में ही धातु का ए या ओ होना चाहिए बस। तो रीत के स्तर पे तो इतना है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के जो स्टूडेंट्स है उनको कुछ विशेष भी याद रखना पड़ेगा कि इससे संबंधित तो वृद्धि संधि में कुछ सूत्र आएंगे वहां पे बताते हैं हम, जैसे एते दत्ते ठसु सूत्र आता है, प्रादु होडु डेसेसु सूत्र आता है, ठीक है ना, तो इनकी चर्चा अपन वहां पे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे नहीं करेंगे, रीट के स्तर पे, रीट सीटेट आदि के स्तर। ठीक है, अब उसके उदाहरणों की बात कर लेते हैं। तो देखिए पहला उदाहरण लिया प्र प्लस एजते, पहला उदाहरण लिया प्र प्लस एजते। देखो पहला पद का अंतिम वर्ण ये देखो कि प्र क्या उपसर्ग है और उपसर्ग में ए होना चाहिए, तो उपसर्ग का तो क्या हो गया है, ठीक है, धातु एजते हैं यहां पर उसका क्या है ए, दोनों के स्थान पर रूप एकादेश, पर का मतलब बाद वाला रूप हो जाता है यानी कि ए हो जाएगा दोनों के स्थान। ठीक है, प्र में से ए को निकाल देंगे तो प्र कैसा हो जाएगा आधा। ठीक है, दोनों के स्थान पर क्या परिवर्तन हुआ अपना ए, जो भी परिवर्तन होगा वो यहां पे आ गया, धातु में से शेष क्या बचा जते, शेष क्या बचा जते बचा वो यहां पे आ गया। अब जोड़ दो प्रेमी एक ही मात्रा जोड़ दी प्रे, जय का जय, ते का ते, क्या बन गया प्रे। क्लियर, और उदाहरण देख ले वे उप प्लस औसति, दूसरा उदाहरण लिया उप प्लस औसति। देखो उप उपसर्ग है, उपसर्ग में प्रेमी क्या है ए, औसति धातु इसमें क्या है ओ, दोनों के स्थान पे क्या हो गया, दोनों के स्थान पर क्या हो गया हमारा
पर रूप एकादेश हो गया बाद वाले वर्ण जैसा रूप। ओ पे कैसा बचा हलन, ए और ओ के स्थान पर परिवर्तन रूप क्या हुआ ओ जो यहाँ पे आ गया, शेष क्या बचा यहाँ पे सती जो शेष बचा वो यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, अब मिला दीजिए अपन उ पे में ओ की मात्रा मिलाओ पो स और ती क्या बन गया उपोस। तो पहला पद उपसर्ग दूसरा पद धातु का, पहला पद तो उपसर्ग का आ गया दूसरा है धातु का। ठीक है, तो उपसर्ग के एक बाद में धातु का ए और ओ आ जाए तो क्या हो जाता पर रूप यानी बाद वाला रूप हो जाता है। क्लियर, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो आप, ले लिया। अब आगे उदाहरण और देख लीजिए, प्र प्लस एष्णियम, प्र प्लस एष्णियम। देखो यहां पर प्र में ए उपसर्ग है, एष्णियम धातु का आ गया तो ए आ गया, प्र में ए मिला दिया तो दोनों के स्थान पर परोपादेश यानी कि ए, प्र में से ए को निकाल दिया कैसा बचा हलन, दोनों के स्थान पे क्या परिवर्तन हुआ ए। ठीक, शेष क्या बचा सनियम। ठीक, मिलाओ प्रेम ये मिला दिया प्रे, स का स नियम क्या बन गया प्रेष नियम बन गया ना। ये वाला उदाहरण आपको कल जब आपको कल टेस्ट लिया था चंडी का जो कल टेस्ट लिया था उसमें ये उदाहरण दिया था ना बिल्कुल। तो वहां पे कौन सी संधि करनी थी आपको पररूप संधि करनी थी, प्र प्लस एष नियम हो रहेगी पररूप में सूत्र बनाना था। ठीक है, एक उदाहरण और देख लिए, प्र प्लस औसति, प्र प्लस औसति उदाहरण लिया। ठीक, यहां पर क्या है हमारा ए, यहां पर क्या है हमारा ओ, दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा पर रूप दूसरे वाला रूप प्र। ठीक, ए और ओ मिलकर के क्या बन गया ओ, जो परिवर्तन हुआ वो यहां पे आ गया, शेष क्या बचा सती वो इसको यहां पे लिख दो, पहले ओ मिलाओ प्रो सती बन गया। तो ध्यान आपको रखना है कि पहला पद तो उपसर्ग होना चाहिए, पहला पद तो क्या होना चाहिए उपसर्ग होना चाहिए, और दूसरा पद आपका धातु होना चाहिए, दूसरा पद क्या होना चाहिए धातु। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, अब आती है बात आगे इसके अपवादों की, तो यहां से प्रश्न कम बनते हैं फिर भी ध्यान रखे। अब बात करते हैं पर रूप संधि के अपवाद की, ध्यान रखिए अपवाद में से प्रश्न फिक्स आता है बिल्कुल मित्रों, अपवाद में से बिल्कुल अपवाद में से उदाहरण जरूर आता है। इसके उदाहरण जो है अपवाद के वह है मनीषा है पतंजलि है। देखो जैसे ही मैं नाम बोल रहा हूँ आपके दिमाग में आ रहा होगा, यदि जिन्होंने अभी तक का पेपर देखा होगा, ठीक है ना, जिन्होंने एग्जाम दे दिया होगा वो जानते हैं। ठीक है, तो अब अपवादों की बात इसकी करते हैं। देखिए तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, तो हमारे अपवाद है पर रूप संधि के, बिल्कुल कौन सी पर रूप, ध्यान रखें यहां पे संधि है पर रूप, पर रूप संधि के, पर रूप संधि के अपवाद, पर रूप संधि के अपवाद। ध्यान रखो अपवाद की बात करें तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये हमारे नियम को तोड़ रहे हैं, ये हमारी परिभाषा को तोड़ रहे हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, शेयर करते जाओ बेटा, ज्यादा ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, ठीक है, ज्यादा ज्यादा फैला दो बेटा वो, बिल्कुल ठीक है। तो अपवादों की बात अपन करते हैं, तो देखिए इसको पूरा मैंने समझा दिया था कि कुछ स्टूडेंट्स की मांग थी कि गुरुजी कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए दोबारा करावे तो करें। तो देखो सकंदवा पररूप संधि के अपवाद में एक सूत्र आता है बेटा, सकंदवा दिशु पररूपम वाच्यम एक सूत्र आता है इस सूत्र के माध्यम से। ठीक है, तो सूत्र पूछे, सूत्र पूछेगा नहीं, किसी को भी नहीं पूछते कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में पूछते हैं। ठीक है, तो इसकी चर्चा वहां पे करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं, बिल्कुल इसको
बता देता हूं, तो इसका एक सूत्र है, एक वार्तिक है, वार्तिक ना छोटा सूत्र है, ठीक है। एक इसका सूत्र है सकंदवा दिशु, सकंदवा दिशु, सकंदवा दिशु परूपम वाच्यम, सकंदवा दिशु परूपम वाच्यम, यह इसका एक वार्तिक है, एक इसका अपवाद है। तो ध्यान के सकंदवा दिशु परूपम वाच्यम, यह केवल सूत्र फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट को ही उन्हीं परीक्षाओं में पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसकी चर्चा अपन संपूर्ण चर्चा केवल फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की क्लासेज होगी वहीं पे करेंगे, लेकिन सूत्र का नाम आप याद रख सकते हो। अब आती है बात इसके उदाहरणों की, उदाहरण कैसे, तो देखिए, तो इनके अपवाद में दो उदाहरण तो वेरी मोस्ट ऑफ पूछे ही जाते हैं। तो एक तो है हमारा मनस प्लस ईसा, एक तो उदाहरण क्या है मनस प्लस ईसा, ठीक है। दूसरा उदाहरण है हमारा पतत प्लस अंजलि, ये दोनों उदाहरण कल टेस्ट में भी पूछे गए थे हमारे द्वारा, क्योंकि ये दोनों उदाहरण लगातार पूछे जाते हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं ये दोनों उदाहरण, मनस प्लस ईसा और पतत प्लस अंजलि। तो अपवाद है इसलिए इनको डायरेक्टली याद कर ले, ठीक है, इनको ज्यादा विस्तृत रूप से, ठीक है ना, लोप आदि करने की जरूरत नहीं, तो इनको डायरेक्ट याद कर सकते हैं। मनस प्लस ईसा, इसमें होता क्या, अस और ई इन दोनों की क्या हो जाती है पररूप, इन दोनों को पररूप हो जाता है, बाद वाला रूप हो जाता है, इधर भी अत और ए को पररूप हो जाता है, बाद वाला रूप हो जाता है, ठीक है, इसलिए इससे तो बन जाता मनीषा। ध्यान रखिए ये अपवाद, इसलिए इनको मैं ज्यादा विस्तृत मतलब खोल करके बताने की जरूरत नहीं हो रही है, क्योंकि अपन को मनीषा दे करके यदि संधि विच्छेद पूछा जाएगा तो मनस प्लस ईसा बताना है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाले को सूत्र पूछा जाए तो सकंदवा दिशु परूपम वाच्यम बताना है, और संधि का नाम पूछे तो पररूप, ठीक है। तो इनकी चर्चा मतलब केवल संधि विच्छेद, और यहां पर भी, यहां पर भी वही अत और ऐ मिलकर के पररूप हो जाता है, रूप बनेगा पतंजलि, तो इनका रूप क्या बनेगा पतंजलि, तो डायरेक्ट ही याद कर ले इनको कि पतत 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 प्लस अंजलि बराबर पतंजलि, मनस प्लस ईसा बराबर है मनीषा, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों उदाहरण पूछे जाते हैं, क्लियर, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब आती है इसकी कुछ अन्य उदाहरण जिनको भी ध्यान रखना है, उनमें से भी संभावना बनती कभी दे दे तो आप सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। तो आगे की बात अपन करते हैं इनके अन्य उदाहरणों की, तो अन्य उदाहरणों में हमारे क्या क्या उदाहरण बताए थे फटाफट बता दीजिए, क्योंकि ये मैंने पढ़ा दिया, बिल्कुल पढ़ा दिया था, इसके उदाहरण फटाफट बताओ कौन कौन से हैं। देखो एक तो बताया था आपको सकंदु, बताया था ना, एक सकंदु बताया था, दूसरा कौन सा करकंदु, तीसरा उल्टा, चौथा मारतंड, बताए थे ना, ये भी उदाहरण इसमें है। तो इसके अन्य उदाहरण है वो भी देख ले वे, सक प्लस अंधु, आपको बताया था हमने सक प्लस अंधु क्या रूप बनेगा सकंधु। ध्यान रखे सब में संस्कृत है, ध्यान रखे बेटा संस्कृत का चल रहा है ये हमारा लेक्चर, और सब में पररूप संधि बतानी है, कहीं पर भी गलती नहीं करनी, ठीक है ना, ए और ए मिलकर की कोई दीर्घ संधि नहीं कर दे, ठीक है, हाँ पररूप संधि ऑप्शन में आएगा, ठीक। कर्क प्लस अंधु, कर्क प्लस अंधु, करकंधु, तो यहाँ पे भी ध्यान रखिए कोई दीर्घ संधि नहीं कर दे, कर्क प्लस अंधु करकंधु, कुल प्लस अटा, कुल प्लस अटा, उल्टा उल्टा, सकंदु का मतलब होता है सकदेश का अक्वा, करकंदु का मतलब होता है कर्क देश का अक्वा, उल्टा का मतलब होता है व्यभिचारिणी स्त्री, और मार्त प्लस अंड, मार्त प्लस अंड मारतंड, तो ये वाले उदाहरण अपन को पूछे जाते हैं, ठीक है। इनके अलावा भी कुछ अन्य उदाहरण और है, उनको भी आप देख सकते हो, एक दो उदाहरण ये भी है, जैसे सीम प्लस अंत, सीम प्लस अंत, लेकिन यहाँ पे दो उदाहरण बनते हैं, मतलब दोनों रूप बनते हैं, एक तो सीमंत बनता है, एक सीमांत बनता है, सीमंत और सीमांत दोनों रूप बनते हैं यहाँ पर, ठीक है, सीमंत और सीमांत बनता है, तो यहाँ पर केवल सीमंत उदाहरण है वो हमारा अपवाद है, ठीक है। और दूसरा है हमारा सार प्लस अंग, सार प्लस अंग, लेकिन ये उदाहरण ही पूछे जाते हैं, उदाहरणों में ये पूछे जा सकते हैं, चलो वहां पे वो, और इसके भी दो उदाहरण बनते हैं, मतलब दो रूप बनते हैं, एक बनता सारंग,
एक बनता है इसका सारंग और दूसरा बनता है सारांग। ध्यान रखे तो इनमें से पूछा नहीं जाता, तो ये सारंग था वो नहीं है कि सारंग वाला है, ठीक है। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और इसी के साथ में हमारी पररूप संधि है कि विराम देती, तो इनमें से उदाहरण पूछे नहीं जाते, ध्यान रखे कि इनमें से ही पूछे जा सकते संभावना मात्र, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी आठवीं संधि की, अब बात करते हैं हमारी लास्ट स्वर संधि की। तो स्वर संधि में हमारा लास्ट भेद है प्रकृति भाव, प्रकृति भाव संधि लास्ट संधि है हमारी प्रकृति भाव संधि। जैसे ही संधि का नाम आता है हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, सूत्र। जैसे ही संधि का नाम आता प्रकृति भाव, वैसे सूत्र आ जाना चाहिए था। यानी कि इसमें रीड सीट एट के स्तर पे हमारे को सूत्र नहीं पूछेंगे, इसमें केवल संधि का नाम या उदाहरण, लेकिन फिर भी अपन को पूरा। तो सबसे पहले बात करते हैं सूत्र की, तो सूत्र है हमारा ई दू देद, ई दू देद द्विवचनम, ई दू देद द्विवचनम प्र गृहम, ई दू देद द्विवचनम प्रगृहम। उदा सूत्र बोलिए, ई दू देद द्विवचनम प्रगृहम, ई दू देद द्विवचनम प्रगृहम, ठीक है। ये ईदु दे द्विवचनम प्रगृहम सूत्र क्या कहता है, इधर देखिए, ये ईदु दे द्विवचनम सूत्र है ये क्या कहता है, तो ध्यान से देखिए बोर्ड पे देखिए, ये क्या कहता है, ईद बड़ा ई और द दिखाई दे रहा है, देखो बड़ा ई और द दिखाई दे रहा है ना, वो निकाल लिया आधा देर के लिए, तो ईद का मतलब है ई, ठीक है। ई से अंत होने वाले शब्द, तो ई से अंत होने वाले शब्दों को बोलते हैं ईकारांत, ई से अंत होने वाले को बोलते हैं ईकारांत, ठीक है। फिर देखो द में उ की मात्रा, द यहाँ पे निकाल दिया, बड़ा और द निकाल दिया, ठीक है। उ यहाँ पे क्या, ऊद का मतलब उ, यानी कि बड़े उ से दीर्घ उ से अंत होने वाले शब्द ऊकारांत, कौन से उकारांत, कि इकारांत उकारांत। और देखो तीसरा आया द में ए मिला हुआ है, तो एद, तो ए का मतलब ए से अंत होने वाले, तो ए से अंत होने वाले को बोलते हैं इकारांत, ठीक है। तो क्या हुआ, इकारांत उकारांत और एकारांत, इकारांत उकारांत एकारांत। द्विवचनम, द्विवचनम का मतलब है द्विवचन है, कि इकारांत उकारांत और एकारांत द्विवचन रूपों के।